अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना के सीरियस बीमारी के बारे में, और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, एप्रीहेंशन ना हो, पैनिक ना हो, कैसे इसको हम रिलैक्स करें। हम आपको बता दें कि जो ग्लोबल प्रोफाइल निकल के आई है अब तक लगभग 1.5 करोड़ पेशेंट्स की पूरी दुनिया में, जो कि 200 से ज़्यादा कंट्री में संक्रमित हो चुके हैं, उनमें से 25% जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अर्थात उनको कोई लक्षण नहीं होता है, 75% में कोई लक्षण होता है, और ज़्यादातर उसमें माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं। हमारे देश की अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो हम पाएंगे कि लगभग आधे केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण के हैं, और बाकी आधे सिम्टम्स के साथ हैं। और जो सिम्टम्स के साथ हैं यानी जिनमें लक्षण हैं, उनमें से जो 81% हैं वो माइल्ड हैं, जो 14% हैं वो मॉडरेट हैं, 5% केवल सीरियस हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि एक छींक आई, एक नाक से पानी गिरा और आपने कोरोना कोरोना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप सब रिलैक्स रहिए। मेरी एक पुरानी कहावत है, मैं मार्च से बोल रहा हूँ, कि जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। तो रिलैक्स रहिए। कोरोना की यात्रा एक 28 दिन की यात्रा है। ज़्यादातर लोगों में संक्रमण होता है, 28 दिन में बिल्कुल कोरोना फ्री हो जाते हैं, स्टेज हो गए। अब हम बात करते हैं सीरियस मरीज, कैसे पहचाने कि मेरा मरीज सीरियस हो गया है। तो कोरोना के 3 लक्षण हैं जो WHO ने मेन लक्षण माने, वैसे तो 9 लक्षण हैं। बुखार आना, सूखी खांसी आना और सांस में तकलीफ होना। अगर मरीज की सांस फूल रही है बुखार के साथ साथ, उसकी नब्ज जो है वो 100 से ऊपर हो गई है, ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाली रीडिंग यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से कम हो गया है, उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है यानी सांस की जो गति है वो 24 से ज़्यादा हो गई है प्रति मिनट, और अगर उसकी जो चैतन्यता है, बेहोशी आने लगी है, वो होश में नहीं रह रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, बच्चा है, एकदम एक्टिव नहीं रहा है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो पल्स ऑक्सीमीटर देख के कोई भी डॉक्टर नाप सकता है और देख सकता है कि वो जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो 95 से ऊपर है या कम है। अगर 95 से कम है तो ये सीरियसनेस को दिखाता है। अब ये जानने के बाद कि हमारा रोगी सीरियस है, आपको क्या करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आपको सीधे CMO कंट्रोल रूम में अपने पेशेंट की स्थिति बतानी है, और वहाँ से एक एम्बुलेंस आएगी और वो आपको उचित अस्पताल में ले जाएगी। कृपया डायरेक्ट किसी भी अस्पताल में ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पहुँच के आपको पता चले कि बेड नहीं खाली है। तो आप CMO कंट्रोल रूम से संपर्क करें, एम्बुलेंस आएगी और जहाँ बेड खाली है वहाँ आपको ले जाएगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं पहले से, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, कैंसर है या और अन्य कोई क्रॉनिक बीमारी है, और इसके साथ साथ गर्भवती महिलाएं, ये 4 ऐसे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाएं, इन सबको ज़्यादा सुरक्षा देने की ज़रूरत है। इन सबको घर से बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नमस्ते करते रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज़र नहीं है तो पेपर सोप एक जेब में रख लीजिए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और ज़्यादा ज़रूरी है वहीं जाइए, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम करिए और वर्क ऑफ होम करिए। बहुत बहुत नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।